हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द कुकिंग क्रश। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है लौकी के हलवे की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहली बार आप हमारे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो यहाँ मैंने एक बड़ी लौकी ले ली है, ये करीबन 700 से 750 ग्राम की है। इसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आपके पास जो भी ग्रेटर है आप उससे ग्रेट कर सकते हैं, नॉर्मल साइज से ग्रेट करिएगा। तो ग्रेट करने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में ऐड कर दिया है, और लौकी में क्योंकि थोड़ा पानी होता है तो अभी हम एक मिनट तक के हम उसी को ऐसे ही रोस्ट करेंगे ताकि वो थोड़ी सी पक जाए। उसको कवर कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो एक मिनट के बाद यहाँ देखिए आप, लौकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध जो मैंने लिया है पूरी इस लौकी को बनाने में 1 कप लिया है। यहाँ पे अभी मैं आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ, आधा कप हम बाद में यूज़ करेंगे। तो दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे तले में लगे ना। देखिए इसको कवर कर दिया है मैंने। तो काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, पर अभी पूरी तरह से लौकी पकी नहीं है, इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में। हम बचा हुआ जो 1/2 कप है वो भी ऐड कर देंगे अब हम इसमें, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको कवर करा था हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें जो दूध है इसको खुले में ही पकाएंगे, इसको अब हम कवर नहीं करेंगे। स्लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी हमने कुक कर लिया है, लौकी भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गई है अच्छे से। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून घी लिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप से जितनी शुगर ली है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा दूध है हमारी लौकी में, तो उसी दूध के साथ ही हमने शुगर डाली ताकि शुगर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हम इलायची को पीस लेंगे, और फ्रेश इलायची को ही हम यूज़ करेंगे ताकि उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आए। तो यहाँ मैंने 4 इलायची ले ली है, इसको हम अच्छे से पीस लेंगे कुटनी में। देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से इसका पाउडर बना लिया है, ऐड कर देंगे इसको हम और मिक्स कर देंगे। इलायची मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि लौकी का हलवा हमारा रेडी है लगभग। अब हम इसमें खोया ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास खोया नहीं भी है तो भी चलेगा, आप ऐसे ही उसको सर्व कर सकते हैं। खोया मैंने लिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये मैंने ड्राई फ्रूट से इसको फ्राई करके क्रश करके एक बॉक्स में रखा है ताकि उसकी क्रंचीनेस बना रहे, तो ये मैंने यूज़ कर लिया है। इसमें सारे ही ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू, पिस्ताचियो, अखरोट, मखाना, ये सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में रोस्ट करके रखा था, तो वो ऐड कर दिया। ये देखिए हमारा लौकी का हलवा तैयार हो गया है। तो अब हमने इसको सर्व करा है, ऊपर से गार्निश कर दिया है ड्राई फ्रूट्स और खोए के साथ। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, और वीडियो को लाइक करना मिस ना करें। आप लोग कमेंट करते हैं पर लाइक करना मिस कर देते हैं, तो लाइक भी ज़रूर करिए, अपनी फैमिली में फ्रेंड में शेयर करें, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें।
मिलेंगे ऐसी और रेसिपीज़ के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, पास ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।